एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो नवरात्रि स्पेशल वीडियो है और इसे बनाने में मुझे कोई भी खर्चा नहीं आया। इसे मैंने थर्माकोल और वॉल पुट्टी से बनाया है। ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और फर्स्ट चौकी के लिए मैंने यहाँ पे थर्माकोल लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई 12 सेंटीमीटर लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने 4 चम्मच वॉल पुट्टी लिया है और उसमें 2 चम्मच पानी मिक्स करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का वॉल पुट्टी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक ही ब्रांड का वॉल पुट्टी ले। अब देखिए यहाँ पे गुठलियाँ होना बहुत ज़रूरी है। गुठलियाँ होने का मतलब है कि ये आपकी अच्छी डो बन रही है। उसे हाथों से ऐसे मसलते हुए एक मुलायम डो बना लेंगे और इसे गीले कपड़े में ढक के रख लेंगे जिससे आप कुछ देर तक इससे काम कर सकते हैं। इसे एक बेल के और थर्माकोल के ऊपर ऐसे फैलाएंगे। आपको किसी गम की ज़रूरत नहीं है इसे स्टिक करने के लिए, बस पानी लेना है और पानी से किनारों पे इन्हें स्टिक करना है। जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे ही करें। सेंटर पार्ट को बिल्कुल भी मत टच करिएगा। जैसे मैं पानी की सहायता से इसे बना रही हूँ आप भी बिल्कुल उसी तरह करिए। चारों तरफ से इस वॉल पुट्टी से थर्माकोल को कवर कर लेंगे। इसे बनाने में आपको हार्डली 5 रुपये लगेंगे। इसका रीज़न ये है कि इसमें जो भी मटेरियल है वो आपके घर में ही अवेलेबल होगा, जैसे कि थर्माकोल। थर्माकोल आपको आराम से किसी भी ऑनलाइन सामान को जब हम मंगाते हैं ना तो उसके साथ थर्माकोल मिलता है, वो थर्माकोल लीजिए। और जो पुट्टी है पर केजी 40 रुपये केजी मिलता है, तो आप इसमें 100 ग्राम पुट्टी लगभग लगता है तो हुआ ना सिर्फ 5 रुपये। और जो एल्युमिनियम फॉइल है वो तो हर किसी के घर में होता है और ये बन गया सिर्फ 5 रुपये में आपका आसानी से सुंदर सा चौकी। और देखिए जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाए, मतलब ड्राई होने में इसको 7 से 8 घंटे लगते हैं, तब आप अपनी पसंद के इस पर डिज़ाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं कोन बनाने वाली हूँ। उसके लिए यहाँ पे 3 चम्मच वॉल पुट्टी लिया हुआ है और उसमें 2 चम्मच पानी मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब इसमें गुठलियाँ नहीं होना चाहिए। और एक मेहंदी के कोन जैसा बनाएंगे और उसके अंदर डाल के जैसे मेहंदी का कोन चलाते हैं, बिल्कुल जो हमने डिज़ाइन बना के रखा हुआ है उसके ऊपर इसे चलाएँगे, मतलब कि इस इन डिज़ाइन को फील करना है, सिर्फ कोन की तरह चलाना नहीं है बल्कि इन डिज़ाइन को भरना है। थर्माकोल जब वॉल पुट्टी से ढक जाएगा तो ये काफ़ी मजबूत हो जाता है, क्योंकि ये जो वॉल पुट्टी होती हैं ये सीमेंट बेस्ड होती हैं, तो ये काफ़ी मजबूत चौकी बन के तैयार होगा। थर्माकोल की जगह आप कार्डबोर्ड या हार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चौकियाँ आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। जब मार्केट में आप इसे लेने जाएंगे तो इतनी बड़ी चौकी आपको 150 से 200 से नीचे नहीं मिलेगी, और जब आप इतने कम दाम में अपने घर पे बनाएंगे तो इसको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और कुछ चीज़ें अपने हाथ की बनाई हुई बहुत सुकून भी देती हैं। जब ये कम्प्लीट ड्राई हो जाए तो एक एल्युमिनियम शीट कट करेंगे इसके साइज से थोड़ा सा बड़ा और इसके ऊपर चारों तरफ ग्लू अप्लाई करेंगे। एल्युमिनियम शीट को रख के इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि जो भी नीचे हमने डिज़ाइन बनाया है वो इसके ऊपर उभर के आए। किसी कपड़े को ले लीजिए और कपड़े के सहारे आप इसे हल्के हाथों से प्रेस करिएगा, ज़्यादा तेज़ी से नहीं वरना ये फट भी सकता है। ध्यान दे के इसे तब तक प्रेस करिएगा जब तक इसके सारे डिज़ाइन उभर के बाहर ना आ जाए। इसके पीछे
एक दूसरा एल्युमिनियम फॉइल को कट करके स्टिक कर लेंगे। अब हम इसका पैर बनाने के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जिस तरह मैं बना रही हूँ बिल्कुल आप तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसके पैर बनाइए, और इसे किसी ग्लू की मदद से नहीं बल्कि पुट्टी की ही मदद से स्टिक कर लीजिए और इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए बनके तैयार हो चुका। बढ़ते हैं अब दूसरे चौकी की तरफ। दूसरा चौकी बनाने के लिए मैंने पहले से ही ये तैयार करके रखा हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और इसे मैं आपको दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो पहला तरीका तो ये है कि आप बिल्कुल पहले प्रोसेस की तरह इस पर डिज़ाइन बना लीजिए और डिज़ाइन बनाने के बाद पुट्टी की मदद से इस पर मेहंदी के कोन की तरह डिज़ाइन तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो दो इसके अलग अलग प्रोसेस हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। डिज़ाइन जब कंप्लीट ट्राई हो जाए तब इसके पीछे मैंने पहले से ही इसके लेग लगा के रख दिया है पहले वाले की तरह। देखिए इस तरह। अब इसके दो तरीके हैं इसे बनाने का। जो पहला तरीका है उसमें ये देखिए मैंने गोल्ड फॉइल रखा हुआ है, ये ऑनलाइन मैंने लिया हुआ था। इस गोल्ड फॉइल को जैसे मैंने एल्युमिनियम फॉइल पहले वाले में स्टिक किया था बिल्कुल उसी तरह स्टिक करके प्रेस करना है। तो ये एल्युमिनियम की सिल्वर के जगह गोल्ड फॉइल का लुक देगा, बट ये थोड़ा कॉस्टली होता है। मैं आपको एक चीप तरीका बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने पहले से ही एक बना के रखा हुआ है, ये काफ़ी पहले मैंने बना के रखा था, पूजा पे मैं इसका इस्तेमाल करती थी। दूसरा चीप तरीका ये है कि आप मेटैलिक गोल्ड कलर लीजिए और इससे इसके ऊपर कलर को अप्लाई करिए। ये तरीका थोड़ा ज़्यादा आसान है क्योंकि गोल्ड फॉयल हर जगह अवेलेबल नहीं होता और वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है और ये आप को ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। लुक वाइज कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये है कि जो गोल्ड फॉइल है वो थोड़ा ज़्यादा देखने में रॉयल और आकर्षक लुक देता है। जब ये कलर पूरा हो जाए तो इसमें जो डिज़ाइन है इसमें मैं ग्लास कलर से कलर करूँगी। ज़रूरी नहीं कि आप ग्लास कलर इस्तेमाल करें, आपके पास जो कलर अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करें। ग्लास कलर फॉइल पे करना ज़रूरी है। ग्लास कलर से कलर थोड़ा ज़्यादा चमकीला होता है। ये देखिए जैसे कि ये मैंने जो पहले से चौकी बना के रखी थी गोल्ड फॉइल, इस पर भी मैं ग्लास कलर ही कर रही हूँ आपके सामने ही। अब आप खुद ही देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो भी आपको सुविधा लगे, जो भी अच्छा लगे आप उसे बनाइए। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस नवरात्रि माता रानी की पूजा अपने हाथों से बनाई हुई चौकी पे ही कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।